रंजन कुमार अमृत जी न्यूज से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। किस टीवी से? अमृत जी न्यूज। अच्छा, यूट्यूब पर मेरा चैनल। अच्छा, जी। आज ब्रज किशोर सम्मान से आपको सम्मानित किया गया। श्री ब्रज किशोर स्मारक प्रतिष्ठान में बिहार के प्रख्यात पत्रकार सरूर अहमद जी को कैसा लग रहा है? आपको सम्मानित किया गया आज यहाँ ब्रज किशोर सम्मान से श्री ब्रज किशोर स्मारक प्रतिष्ठान में पटना में, बताएंगे सर। ये सम्मान करना तो एक बड़ी बात है भाई, किन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया कि भाई जैसे मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन, ऐसा तो मुझे कुछ ऐसा लगता नहीं है कि मैंने कोई बहुत बड़ा नया काम किया है, एक बस ड्यूटी अदा की मैंने जी, जो एक प्रोफेशन में करनी चाहिए आज के ज़माने में। ऐसा अच्छा लग रहा है। बचपन में आपने क्या सोचा था कि पत्रकार ही बनेंगे या डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, क्या सोचा था? कभी नहीं। देखिए मैं थोड़ा जोर से बोलेंगे सर। मैं अगर 77 में मैट्रिक पास किया था हाई स्कूल, 1977 79 में मैं जब आईए में आया था इंटरमीडिएट, उस वक्त सही तरह तय कर लिया था। जब तो ज़माने में जर्नलिज्म का ये स्कोप नहीं था, सारे अखबार दिल्ली या कलकत्ता से निकलते थे, पटने के सिर्फ रीजनल अखबार थे, हिंदी में आर्यभट्ट, हिंदी नेशन, प्रदीप, सैटेलाइट, न कोई टेलीविजन चैनल था, न कोई नेशनल अखबार था। लेकिन मैं तय उसी ज़माने में किया था, मैं गया और वहाँ मैंने पैदाइश वहीं वहीं खुला पा। बाद में मैंने दिल्ली में जॉब की टाइम्स ऑफ इंडिया में, यहाँ इंग्लिश जर्नलिज्म, इसलिए कि ये भाई एक्सीडेंट कुछ नहीं कि भाई गलती से आ गए, कुछ ना मिला, लेकिन मेरा प्लान था जर्नलिज्म लाना। प्रेरणा किससे मिली कि यहाँ पत्रकारिता करनी है, या किसी पत्रकार जो आपका आदर्श हो? प्रेरणा वगैरह देखिए है, ये बड़ी अजीब चीज़, हमको बचपन में से ही कहीं क्रिकेट से शौक हो गया। उस ज़माने में क्रिकेट क्या होगा आप समझ लीजिए जी, जब मैं 7th 8th में था क्रिकेट का शौक़, तो क्रिकेट से अखबार पढ़ना शुरू किया। उस ज़माने में रेडियो भी था, बहुत मुश्किल से रेडियो मेरे घर पर आया जी। और आज की तरह इतनी टेक्नोलॉजी आपको शायद पैदा भी नहीं होंगे, मैंने नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन जाहिर सी बात है कि उस एज में नहीं होंगे। तो क्रिकेट से तो हमको पटने के अखबार मेरे घर आते थे जिया में, मुझे सब बहुत कम रिपोर्टिंग, एक पेज आधा पेज रहती थी। तो मैंने कलकत्ता का स्टेट्समैन अखबार पढ़ना शुरू किया, एक दिन बाद आता था जो उसमें दो दो पेज स्पोर्ट्स का अच्छा आता था। उससे धीरे धीरे क्रिकेट से पॉलिटिक्स समझने लगे। क्रिकेट से पॉलिटिक्स, हाँ, ऐसे दिलचस्पी चूँकि इंटरनेशनल अफेयर्स पर 1973 में अरब इसराइल जंग भी लड़ाई हुई थी, फिर इंटरनेशनल तौर पर इमरजेंसी लग गया, कुछ स्टूडेंट मूवमेंट चला, इमरजेंसी लगा, तो धीरे धीरे आपको पॉलिटिकल चीज़ पढ़ने लगे, पॉलिटिकल चीज़ पढ़ने लगे, तो अपनी दिलचस्पी बढ़ती गई जी। तो मेरा मैंने कि स्टार्ट किया बड़ा अजीब गरीब अंदाज में, जबकि पॉलिटिकल नहीं था, क्रिकेट था। क्रिकेट पर ज़्यादा खेला, थोड़ा सा बचपन में खेला होगा, मैंने क्रिकेट न्यूज़ भी पढ़ते थे, क्रिकेट न्यूज़ वो तो अभी भी कभी कभार देख लेता हूँ जी जी, हालांकि सुनना पड़ता, अब तो मेरा दूसरा सिस्टम है पढ़ने में लगा, लेकिन नहीं क्रिकेट के बारे में अभी भी थोड़ा बहुत, अब तो उतना नहीं रहा, इतने टूर्नामेंट्स होने लगे, इतने मैचेस होने लगे, ये बोले एक्चुअली क्रिकेट ही से डाइग्रेस करके पॉलिटिकल जर्नलिज्म में आ गया। पॉलिटिकल जर्नलिज्म में जनरल जर्नलिज्म भी होती है जी जी, नेशनल इंटरनेशनल। तो विशेष आपका जो था ये फील्ड जो था वो पॉलिटिकल जर्नलिज्म आपका था? हाँ, पॉलिटिकल पर बिहार पर, क्योंकि बिहार में मैं दिल्ली में एक न्यूज़ एजेंसी में था, पब्लिक ओपिनियन ट्रेंड, उसी में मैं काम कर रहा था, पॉप न्यूज़, उससे फिर वो सब कॉन्टिनेंट का टेस्ट था, उसको रिसर्च एक तरह का, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, राजेंद्र सरीन एक जर्नलिस्ट हुआ करते थे, राजेंद्र सरीन किस न्यूज़ एजेंसी थे, बल्कि आप नाम सुनते हो उनके, जहाँ तक बोलना ठीक होगा, उनके बेटा है प्रशांत सरीन, सुशांत सरीन, अक्सर टीवी पे आते रहते हैं। अच्छा अच्छा जी, देखिएगा विवेकानंद फाउंडेशन वगैरह में एक्सपर्ट इंडिया में, उन्हीं के फादर की एक न्यूज़ एजेंसी थी दिल्ली में, राजेंद्र सरीन खुद एक्सपर्ट थे सब कॉन्टिनेंट अफेयर पर, तो उन्हीं की न्यूज़ एजेंसी से हमने पटना में टाइम्स ऑफ इंडिया में 87 के लास्ट में 88 का ही पटना में टाइम्स ऑफ इंडिया में आया। यहाँ जब आया तो फील्ड रिपोर्टिंग का धीरे 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 आइडिया हुआ, तो फिर आदमी जब रहा तो दिलचस्पी बनी, बैठो, हाँ दिलचस्पी बनी, तो बस
ये क्या कहते हैं अपना आदर्श पत्रकार किसे मानते हैं आप, जिससे आपको प्रेरणा मिली कि इन्हीं के जैसा बनना है, या कुछ ऐसा कि वो उनकी पत्रकारिता आपको अच्छी लगी? आदर्श वगैरह देखिए पता नहीं तुम लोग नाम भी नहीं जानते, पहले हम बचपन में हम लोग आर्टिकल वगैरह स्नेहाल सिंह हुआ कहते थे स्टेट्समैन के एडिटर, फिर एमजी अकबर का दौर हुआ, फिर एमजी अकबर, फिर गिरीलाल जैन थे टाइम्स इंडिया के एडिटर जी। तो जब हम ग्रो अप करने लगे तो गिरीलाल जैन वगैरह के आर्टिकल वगैरह तो जो इम्पैक्ट पड़ा जिसको कहिए गिरीलाल जैन, हाँ ये तीन चार पर्सनैलिटी थी, ये पढ़ता रहता था तो कि भाई ये वो। दूसरा ये कि मैंने देखा खास कर गिरीलाल जैन वगैरह तो लाइक करता था, बहुत माने एवरेज लोग उससे गए, लोग मिडिल क्लास इस टाइप के लोग थे, मैंने ये नहीं कि बहुत हाई फाई ये वो। उस जमाने में जर्नलिज्म का इमेजिन करना मुश्किल, वही भी एक छोटे मैंने गया जैसे शहर से कि वो भी इंग्लिश जर्नलिज्म जो कोई टी वी नहीं था, ये नहीं था, तो इट वॉज रियली डिफिकल्ट टू पहुँचना।